हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस केमिस्ट्री क्लास। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे 11th क्लास के लिए। वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट भी नहीं बल्कि स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें हम स्पेशली गैसियस स्टेट पे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद लिक्विड स्टेट पे। और उससे पहले कुछ आज का क्लास जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो आज के क्लास में हमने द्रव की अवस्थाएं, ये चैप्टर चूज किया है। और आज की क्लास में हम द्रव की अवस्थाएं इस चैप्टर से, जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो हम चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठेंगे और जहां पे जो चीज नोट करना हो उसे नोट कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि जिसको प्रैक्टिस इसकी जरूरी है। इसकी थ्योरी जानने के बाद उसको नोट करना, उसके बाद उस पे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो लगाना होगा। द्रव की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है? साधारण ताप और दाब पर जिसमें वेट हो और जो स्थान घेरे वो कहलाता है द्रव। और साधारण ताप और दाब पर द्रव तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ताप और दाब पे परिवर्तन से, ताप और दाब में परिवर्तन करके हम द्रव को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे बर्फ, जल और जल वाष्प, ये तीनों एक ही पदार्थ हैं। इनकी अवस्थाएं तीन हैं। एक होता है बर्फ जो कि ठोस है, इसको गर्म करते हैं तो ये जल में बदल जाता है यानी कि द्रव में, और फिर इसको गर्म करते हैं और ज्यादा तो ये वाष्प में बदल जाती है जिसको कि गैस कहते हैं। अब इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है कि जल वाष्प को ठंडा करेंगे तो ये द्रव में बदल जाएगी, और द्रव को ठंडा करते हैं तो ये वापस ठोस में बदल जाता है। तो ये इस तरह से जो मैटर है या जो पदार्थ है या जो द्रव्य है वो तीन अवस्थाओं में मिलता है। अब वो ताप, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो ताप जिस पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था में द्रव में बदल जाता है, उस ताप को गलना या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और उसी तरीके से जिस पे द्रव्य यानी पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से, जिस ताप पर कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक पर क्या होता है कि उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब द्रव उबलने लगता है और उस टेम्परेचर को कहते हैं क्वथनांक। किसी द्रव्य का गलनांक सदैव निश्चित रहता है, लेकिन क्वथनांक का मान दाब के साथ बदल जाता है। सामान्यतः ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे उसमें उसका क्वथनांक जो है वो कम दाब पे हो जाता है। कम दाब पे क्वथनांक भी कम हो जाता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण इसका मान कम हो जाता है, लेकिन कोई अशुद्धि अगर उपस्थित है किसी द्रव में तो क्वथनांक बढ़ जाता है। अब अणुगति सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव एवं गैस को कि तीन अवस्था में बता किस तरह से बांटा गया है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये देखते हैं।
एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो अणु गति सिद्धांत के आधार पर द्रव को ठोस, द्रव एवं गैस में बांटा गया। पहली अवस्था क्या है? ठोस अवस्था है। और द्रव के अगुणित अणुगति, नॉट अगुणित, द्रव के अणुगति सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव अणुओं से मिलकर बने होते हैं जो निरंतर गति करते रहते हैं, परंतु अणुओं की गति उनके मध्य उपस्थित आणविक बल पर निर्भर करती। तो अब इस तरह से ये तीन तरह के पदार्थ होते हैं। पहला सॉलिड स्टेट जो होती है, द्रव की तीन होती है, सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में द्रव के अवयव यानी कि अणु, परमाणु या आयन जिनसे वो मिलके बना है, परस्पर अति प्रबल आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से इतने निकट होते हैं और इतनी अधिक दृढ़ता से जुड़े होते हैं कि गति नहीं कर सकते। इस कारण द्रव की ठोस अवस्था का आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे लोहा है, चांदी है, नमक है, और भी बहुत से ठोस के उदाहरण दे सकते हो। उसके अलावा दूसरी स्टेट होती है द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में अणु परस्पर अधिक आकर्षण के कारण गैसी अवस्था के अणुओं की तुलना में एक दूसरे से अधिक दूर होते हैं। द्रव अवस्था में अणु परस्पर अधिक आकर्षण के कारण गैसी अवस्था के अणुओं की तुलना में एक दूसरे से अधिक निकट होते हैं, लेकिन ठोस की तुलना में वो अधिक दूर होते हैं और गति कर सकते हैं। तो इस कारण इनका आकार निश्चित नहीं होता, बल्कि वे जिस पात्र में रखे जाते हैं, द्रव के लिए कहा जाता है कि वो जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। जितनी मात्रा हम रखेंगे उतना ही रहेगा, सिर्फ इनका आकार बदल जाएगा। तो यहाँ गैसी अवस्था में अणु जो है वो सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं। बीच की अवस्था होती है लिक्विड की यानी द्रव अवस्था की, और ठोस में जिन अणुओं से बना होता है ठोस वो बिल्कुल पास पास होते हैं। तीसरी अवस्था गैसी है। गैसी अवस्था में द्रव के अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जिससे उनके बीच आणविक बल या आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, यानी कि अंतराणविक दूरी बहुत अधिक हो जाती है। इस कारण गैसों का आकार आयतन निश्चित नहीं होता। ये जिस भी पात्र में रखे जाएंगे उन्हीं का आकार और उन्हीं का आयतन उसी के आयतन के बराबर हो जाएंगे। गैसेस कौन सी है? वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब है। जबकि लिक्विड क्या है? जैसे कि जल है, उसके अलावा अल्कोहल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये सब क्या है? जल है। अब इन अणुओं को चाहे गैस हो, ठोस हो या गैसेस हो, मतलब ठोस या द्रव या गैसेस, तो ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स में परस्पर आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये एक स्थान पे बने रहते हैं सारे अणु इसके। तो इसको क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या अंतराणु बल, यानी जो बल अणुओं को बांध के रखता है द्रव के, वो क्या कहलाता है? अंतराणु बल। तो उदासीन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे अंतराणु बल कहते हैं। जैसे निगेटिव और पॉजिटिव आयन है तब तो उसमें आकर्षण बल हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, लेकिन जब उदासीन अणु होंगे तो उनके अणु भी आपस में जुड़े रहते हैं और वो जिस बल से जुड़े कह रहते हैं उसको कहते हैं अंतराणुक बल। वान डर वाल्स ने गैसों के लिए दाब संशोधन इस आधार पर किया था कि गैसी परमाणुओं या अणुओं के मध्य कुछ आकर्षण बल रहता है जिसको अंतराणु बल कहते हैं, और इसका नाम दिया गया था जोहानन वान डर वाल्स बल। इस बल को ससंजन या संबद्ध बल या कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। अन्योन क्रियाकारी कणों में ये बल दुर्बल होते हैं तथा ये प्रमुख रूप से चार प्रकार के होते हैं। तो जो उदासीन अणुओं के बीच अंतराणु बल होते हैं जिसे ये एक दूसरे से आकर्षण के कारण जुड़े रहते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। पहला है दुध्रु आकर्षण बल,
या इसको आप विन्यास प्रभाव कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स या ओरिएंटेशन फोर्स। ये ध्रुवी अणुओं के उदासीन होने के बावजूद भी उसमें स्थायी ध्रुव रहता है। ये इस तरह के अणुओं में होते हैं जैसे HCl, HCN, इसमें क्या है प्लस चार्ज है, इस पे H पे, HCl पे माइनस है, तो दोनों आकर्षण बल से दोनों एटम अणु में जुड़े रहते हैं। तो ये अणु आपस में भी जुड़े रहते हैं, प्लस वाला जो है HCl की तरफ से जुड़ा रहेगा, आकर्षण बल इसमें बन जाएगा। इसी तरह दूसरा जैसे HCl, HCl लिखते जाओ तो Cl H से एक अणु का Cl दूसरे अणु HCl के H से, क्योंकि दो एक पे प्लस एक पे माइनस है तो आकर्षण बल दोनों के बीच होगा और ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो द्विध्रुवी यौगिकों जैसे HCl, HCN, SO2, NH3 आदि के अणुओं में अंतराणु आकर्षण को समझाने का प्रयास कीसम ने सन 1912 में किया। स्थायी द्विध्रुवी यौगिकों के अणुओं की किस प्रकार पारस्परिक अन्योन क्रिया को द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया कहते हैं। इस गैसों के अणुओं के स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होने के कारण इनके अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल रहता है, जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। ये आकर्षण बल प्रबल होता है, अतः अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अणुओं के मध्य का आकर्षण बल इन अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करता है। ये आकर्षण बल प्रबल होता है अतः अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अणुओं के मध्य का आकर्षण बल इन अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करता है। जिन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण जितना अधिक होगा, जो केमिकल बॉन्डिंग पड़ी थी कि द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये जितना अधिक होगा द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं उतनी ही अधिक होंगी, और इस प्रकार की अन्योन क्रिया के कारण उनमें अणुओं में प्रबल आकर्षक बल होता है। तो पहले इनके बीच ऊर्जा को समझने से पहले इस स्ट्रक्चर से इसको समझो। ये डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल, ये एक मॉलिक्यूल है HCl का, इसमें H पे H प्लस है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इधर पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो अब ये दो अणु इस तरह से पास पास होंगे, तो एक का एच जिसके ऊपर की प्लस है और दूसरे अणु के सीएल के पे माइनस है, तो इन दोनों के बीच जो आकर्षण होता है उससे जो बल उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। और इससे इन दोनों के बीच कौन सी क्रिया होती है, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया। तो यही चीज यहाँ बता रहे थे, इस तरह से कौन सा है ये द्विध्रुव ध्रुव आकर्षण बल इस तरह के अणुओं के बीच में होता है, यानी एक अणु के अंदर तो प्लस माइनस ही है, ये दूसरे अणु के साथ इसी तरह से आकर्षण से जुड़ा रहता है। अब इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया की ऊर्जा का परिमाण व संकेत ऐसे द्विध्रुवों के अपेक्षिक विन्यास पर निर्भर करता है। ये अभिविन्यास आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रमाण है। इस घटना को अभिविन्यास प्रभाव भी कहते हैं, और इसमें मुक्त हुई ऊर्जा E का मान प्रोपोर्शनल होता है 1/r³। यानी इसको इस तरह लिख सकते हो E=2μ² ये क्या है, डाइपोल मोमेंट है, 3r³ ये दोनों अणुओं की में जो परमाणु है उनके बीच की दूरी है, और ये kT या E=proportional to 1/r³। यहाँ पे ये दिया है μ = डाइपोल मोमेंट। उसके बाद r द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव जो दो अणु है उनके मध्य की दूरी है, परमाणुओं के बीच की नहीं बल्कि अणुओं के बीच की दूरी है। K क्या है, बोल्ट्जमैन गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, परम ताप, जबकि ध्रुवित ध्रुवी अणु 1/r⁶ होता है। अब उदाहरण पहले दिखाया कि जैसे HCl अणु है,
HCl अणु में एक स्थायी द्विध्रुव है, इधर प्लस है इधर माइनस है। ध्रुवीय अणु निकटवर्ती अणुओं के साथ द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। इस तरह से ये दो अणु हैं HCl HCl के, तो इसका Cl और इसका H प्लस दूसरे अणु का, दोनों एक दूसरे से आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, इसको कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। दूसरे तरह का है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स या इंड्यूस्ड इफेक्ट, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। इसमें क्या होता है कि एक अणु के पास, एक अणु तो उसमें ध्रुवता का गुण होता है और एक में नहीं होता, तो एक जिसके पास ध्रुवता होती है वो दूसरे को प्रेरित करता है कि उसमें भी ध्रुवता आ जाए। जैसे पीट, अब इसको किसने प्रतिपादित किया था, पीटर डिबाई ने 1920 में। उनके अनुसार द्विध्रुव अणु अपने पड़ोसी अध्रुवीय अणुओं को प्रेरित कर ध्रुवी कर देता है, जिसको कि क्या कहते हैं, प्रेरित द्विध्रुव। इस प्रकार एक द्विध्रुव अणु व एक प्रेरित एक द्विध्रुवीय अणु एवं एक प्रेरित द्विध्रुवीय अणु के मध्य अन्योन क्रिया से अणुओं के मध्य आकर्षण बल या वांडरवाल बल प्रेरित होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बंध। तो एग्जांपल इसका इस तरह से देख सकते हो, यहाँ ये दिया हुआ है, जैसे कि ये HCl अणु है, HCl अणु है और दूसरा C1, तो ये अध्रुवी अणु है, ये ध्रुवीय अणु है, इसमें एक तरफ पार्शियल धन और इधर पार्शियल आंशिक ऋण आवेश है। अब ये इसके अंदर प्रेरित करता है ध्रुवता को कि एक तरफ प्लस हो जाए, ये एक तरफ माइनस। अब क्योंकि इधर माइनस है तो ये इसको प्रेरित करेगा, तो इधर क्या होगा, एक क्लोराइड जब इसके पीछे का इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस क्लोरीन पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, इसको कि आंशिक आवेश कहते हैं, हो जाएगा। तब अब इस Cl माइनस और Cl प्लस के बीच आकर्षण बल से जो बंध बनेगा है ये वांडरवाल बल ही, लेकिन इसको क्या कहेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। इसमें एक अणु जो होता है वो ध्रुवी होता है और दूसरा अध्रुवी होता है। अब इसके लिए एनर्जी इस इक्वेशन से निकालते हैं, इज इक्वल टू 2 α μ² / r6, यानी यहाँ पे अल्फा क्या है, अध्रुवी अणु की ध्रुवता है, जबकि म्यू क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है या द्विध्रुव आघूर्ण है, और आर क्या है, दो अणुओं के बीच की दूरी है। तो ये एग्जांपल इसमें किसका देखा है, HCl और Cl2 का। अब तीसरे तरह का बल है जो कि वांडरवाल बल के ही प्रकार है, जिसको कहते हैं लंदन बल या प्रकीर्णन बल। इसे प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल भी कहते हैं, क्योंकि N2O2 जैसे उदासीन अणुओं के मध्य भी वांडरवाल बल पाया जाता है, और इसी तरह उत्कृष्ट गैसे हैं HeNeAr आदि के परमाणुओं के बीच भी वांडरवाल पाया जाता है। तो इससे ये क्या सिद्ध होता है कि उच्च दाब व निम्न दाब पर इनको द्रवित किया जा सकता है। इस बल के कारण को अनेक वर्षों तक स्पर्श नहीं किया जा सका, लेकिन बाद में फ्रिट्ज लंदन ने इन बलों को समझाने के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने उदासीन अणुओं के बाद आकर्षण बल को समझाने के लिए क्वांटम यांत्रिकी का सहारा लिया। उन्होंने इन बलों की व्याख्या जो बताई वो इस तरह से है, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन सदैव गतिमान रहते हैं। अब जैसे जो उदासीन अणु है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इनमें प्लस माइनस नहीं होता है, द्विध्रुव नहीं होता है, तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन सदैव गतिमान रहते हैं। किसी पूर्ण रूप से सममित अणु या परमाणु में औसत द्विध्रुव आघूर्ण को सदैव शून्य मानते हैं। उदाहरण के लिए
उत्कृष्ट गैसों के अणुओं के लिए हम यह मानते हैं कि वो पूर्ण रूप से द्रुवागूर्ण से रहित हैं, किंतु ऐसे अणुओं में किसी क्षण इलेक्ट्रॉन द्वारा कोई विशेष स्थान ग्रहण करने से तंत्र में आवेश का क्षणिक असंतुलन आ जाता है, जिससे उस क्षण के लिए वो एक द्विध्रुव रूप में प्रेरित हो जाता है, और वो प्रेरित द्विध्रुव या इंड्यूस्ड डाइपोल उसी क्षण किसी समीप वाले अणु या परमाणु को भी एक द्विध्रुव के रूप में प्रेरित कर देता है। फलस्वरूप दोनों में एक आकर्षण बल स्थापित हो जाता है, जिसे लंदन बल या प्रकीर्णन बल कहते हैं, और इस क्रिया को प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे परमाणु ए और परमाणु बी दो हैं, इनमें क्या है, कोई प्लस माइनस का कोई नहीं है एटम, तो इसमें क्या होता है, अचानक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नाभिक से दूर ऐसी पोजीशन ले लेता है, इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तो दूसरा बी जो है वो भी प्रेरित होगा, जो प्लस नाभिक है उसका वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे थोड़ा सा दूर, यहाँ पे अगला अणु होगा, अगले अणु की तरफ आकर्षित हो जाएगा जिसपे की जिसका के न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होगा। तो इस तरह के बल को क्या कहते हैं, लंदन बल। यानी ये दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे, अचानक किसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो जिससे इसके पास ये माइनस यहाँ चार्ज डेवलप हो गया इधर प्लस, तो दूसरे अणु में भी ये टेंडेंसी होती है कि इसका इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा करके इधर माइनस कर देगा, इधर प्लस चार्ज रहेगा, और इन दोनों के आकर्षण से जो बल काम करता है उसको कहते हैं लंदन बल। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया उन्होंने, जो अभी तुम लोगों को हमने बताया, और ये चीज यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन हो रही है। यानी लंदन बल ऐसे परमाणुओं के बीच होता है जिनमें की ध्रुवता नहीं होती, अचानक कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा नाभिक से दूर आ जाता है तो इधर माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, तो अगले अणु में भी इसी तरह से होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इधर पॉजिटिव हो गया, और इन दोनों का आकर्षण क्या कहलाता है, लंदन बल। तो ये ध्रुवित परमाणु है और ये इसको प्रेरित कर दिया, इसने ये ध्रुवित हो गया पहले फिर इसको प्रेरित किया, तो इस तरह का बल डेवलप होता है। इसके लिए E इज इक्वल टू होता है 3I α² / 4R6। यहाँ I क्या है, आयनन ऊर्जा, अल्फा क्या है, अध्रुवी अणु की ध्रुवता तथा R अंतर परमाणु दूर, यानी दो अणुओं के बीच में जो जिन परमाणुओं के बीच आकर्षण है उनके बीच की दूरी। अब लंदन बल लघु दूरी तक ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि 500 पिकोमीटर तक, पीएम से जिसको लिखते हैं। लंदन बल द्विध्रुव और द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बलों में भी योगदान करते हैं, परंतु दुर्बल होने के कारण ये महत्वहीन है। निश्चित रूप से अध्रुवी परमाणु और अणुओं में ये बल महत्वपूर्ण होते हैं। मुक्त होने वाली ऊर्जा के मान में वृद्धि होने के दो प्रमुख कारण अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि तथा आकार में वृद्धि का कारण अणुओं की ध्रुवता में वृद्धि है। उसके बाद तीन तरह का बंद हो गया, जो तीनों वांडरवाल फोर्सेस थे, जिससे कि अणु आपस में, किसी भी तत्व के अणु आपस में जुड़े रहते हैं, किसी भी यौगिक के, किसी भी पदार्थ के। अब है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको पढ़ चुके हो तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, एक बार फिर यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक बनाता है, तो उसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ऋण विद्युतीय तत्व के काफी निकट तथा हाइड्रोजन नाभिक से काफी दूर रहता है। फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय परमाणु के क्रमशः आंशिक धन आवेश तथा आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि HF में इस तरह से होता है। अब ये अणु एक द्विध्रुव जैसा व्यवहार करता है, जिसमें एक सिरे पे आंशिक धन आवेश, एक सिरे पे आंशिक ऋण आवेश,
यदि इसके बहुत से अणु पास पास लाए जाएं तो एक अणु का धन आवेश दूसरे अणु के ऋण आवेश को आकर्षित करता है। इस तरह से ये एक अणु है और ये दूसरा अणु है। अब इसका जो धन आवेश हाइड्रोजन है इस अणु के ऋण आवेश फ्लोरीन को आकर्षित करेगा। ये डॉट डॉट से दिखाया गया है तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन बंध है। ये तो एक अणु है इसमें सहसंयोजक बंध है, ये दूसरा अणु है इसमें सहसंयोजक बंध है। अब एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के फ्लोरीन के साथ इस तरह से जिस बंध से जुड़ा रहता है आकर्षण बल से उसको कहते हैं हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन क्लोराइड में इस तरह से ये ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस प्रकार से अणुओं को जोड़ने वाला बंध हाइड्रोजन अबंध कहलाता है, जिसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। अतः वो अबंध जो आकर्षण बल द्वारा ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक के एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को उसी यौगिक के दूसरे समूह या दूसरे समान असमान अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ बांधता है हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो हाइड्रोजन H2O में भी इसी तरह का बंध होता है। ये HOH ये जल का एक अणु है और ये जल का दूसरा अणु है। अब जल के एक अणु का हाइड्रोजन जल के दूसरे ऋण विद्युतीय जो जल का दूसरा अणु है उसके ऑक्सीजन के साथ इस तरह से आकर्षण बल से जुड़ा रहता है, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध की शक्ति ऋण विद्युतीय तत्व की ऋण विद्युतात्मकता पर निर्भर करती है। तो जब हाइड्रोजन जिस ऋण विद्युतीय तत्व के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है उसकी ऋण विद्युतता जितनी अधिक होगी उतना ही शक्तिशाली बंध होगा। तो फ्लोरीन की ऋण विद्युतता सबसे ज्यादा होती है तो इसका बंध ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर इसका होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का। ऋण विद्युतीय होने पर इसकी शक्ति बढ़ जाती है। हाइड्रोजन आबंध आयनिक तथा सहसंयोजी आबंधों की अपेक्षा दुर्बल होता है। अब हाइड्रोजन बंध भी दो प्रकार के होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में इसको पढ़ चुके हो, यहाँ पे फिर से रिवाइज करो इसको, और ये इंपॉर्टेंट बंध होता है। पहला होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व के वे परमाणु जिनके मध्य हाइड्रोजन आबंध बंध होता है किसी यौगिक के एक ही अणु के अलग अलग समूह के भाग होते हैं, तो इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध कहलाता है। यानी ये एक ही यौगिक के एक ही अणु के जो विभिन्न परमाणु होते हैं उनके बीच में होता है, जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल सैलिसिल्डिहाइड इस तरह के अणुओं में। इस तरह से ये देखो एग्जाम्पल है सैलिसिल्डिहाइड, ये पूरा एक अणु है, इसमें COHCH जो ये है ग्रुप है और इधर OH ग्रुप है, तो इसी एक अणु में एक जो इन दोनों के बीच कोई बंध नहीं है तो ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय है हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो इसको क्या कहते हैं, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। इसी तरह इसमें है देखो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये OH है, ये NO2 है, तो यहाँ इन दोनों के बीच कोई बंध नहीं है, लेकिन ये ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन यहाँ भी ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन है माइनस होना चाहिए और हाइड्रोजन के बीच बंध बन रहा है, तो वो क्या कहलाता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। दूसरे तरह का हाइड्रोजन बंध जो अभी पहले एग्जाम्पल देके बताया था, इसी तरह का ये तीसरा एग्जाम्पल है आर्थोक्लोरोफिनॉल में, यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच बंध है, यानी एक ही अणु में कोई किसी दो परमाणुओं के बीच ये बंध होता है। इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतर अणु हाइड्रोजन बंध होता है दूसरे तरह का। ये क्या होता है, दो समान या समान अणुओं में एक के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे के ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतर अणु हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। जैसे अभी बताया दिखाया था HFH2O और NH3 में किस तरह से हाइड्रोजन बंध होता है, उसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल है, उनका तो समझ देख लिए थे पहले। अब ये क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये सब अलग अलग अणु है, अब इसका एक हाइड्रोजन OH का और इधर नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो H और O के बीच ये जो बंध बन रहा है
विभिन्न अणुओं के बीच ये क्या कहलाता है, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। इसी तरह पैरा क्लोरोफिनॉल के बीच में भी इसी तरह का बंध होता है, ये एग्जांपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सब सीख चुके हो। ये दो अलग अलग अणु हैं और इन दो अलग अलग यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच हाइड्रोजन बंध बन रहा है। अब ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा यहाँ पे होगा तो उसके क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। अब H2O के बीच हाइड्रोजन बंध कैसे होता है, HOH ये H2O का एक अणु है, ये दूसरा अणु है, और इन दोनों अणुओं के बीच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बंध बन रहा है, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। इसी तरह अल्कोहल में भी होता है, यहाँ H की जगह R आ गया, ROH, ROH, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध। इन सब के अतिरिक्त दो अन्य प्रकार की अन्योन क्रियाएं भी हैं जो अन्य गुणों को व्यक्त करने में सहायक है। पहली इसमें पहली है आयन द्विध्रुव अन्योन क्रिया, यानी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एक आयन होगा और दूसरा एक डाइपोल मोमेंट वाला होगा पदार्थ। यदि कोई स्थायी द्विध्रुव एक आयन के संपर्क में है तो वह स्वयं को इस प्रकार अभिविन्यसित कर लेता है कि द्विध्रुव के विपरीत आवेश सिरे विशिष्ट आयन की ओर निर्दिष्ट हो। इस प्रकार आयन द्विध्रुव अन्योन क्रिया दिशात्मक होती है। इस प्रकार की अन्योन क्रिया आयन आयन अन्योन क्रिया से दुर्बल होती है क्योंकि द्विध्रुव में आवेश की मात्रा कम होती है। इस तरह से जब वाटर में सोडियम क्लोराइड घोला जाता है तो Na और Na प्लस Cl माइनस अलग हो जाते हैं और हाइड्रो जो जल के अणु हैं वो एक तरफ क्लोरीन को घेर लेते हैं और एक तरफ हाइड्रोजन को। तो जब क्लोरीन को घेरते हैं तो चूंकि क्लोरीन पे ऋण आवेश होता है तो जल का धन आवेशित भाग उसकी तरफ होता है यानी हाइड्रोजन, और जो सोडियम को घोलते हैं तो सोडियम के चारों ओर जो जल के अणु लग जाते हैं घेर लेते हैं तो सोडियम चूंकि धन आवेशित होता है तो जल का ऋण आवेशित भाग यानी ऑक्सीजन जो है वो सोडियम की तरफ दिष्ट होता है। तो ये क्या कहलाता है, आयन द्विध्रुव अन्योन क्रिया। दूसरा आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया, आयन इंड्यूस करता है डायपोल दूसरे मॉलिक्यूल्स में जिसमें की ध्रुवता नहीं होती। यदि कोई आयन किसी अध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो ये आयन उस अणु के इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत कर देता है। अणु का ध्रुव उसकी ध्रुवता पर निर्भर करता है। चूंकि अधिकांश स्पीशीज में ध्रुवता अधिक नहीं होती है अतः इस प्रकार की अन्योन क्रिया का नाम मान बहुत कम होता है। ये आयनों और उनके द्वारा प्रेरित तो ध्रुवों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल होते हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के बल है, वैन डेर वाल बल के उदाहरण है कि जिन अणुओं के बीच कोई आवेश नहीं होता वो किस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं। तो वैन डेर वाल बल के प्रकार थे, उसके अलावा लंदन बल और आयन डाइपोल बंध, ये सारी चीजें देखा। उसके बाद क्या है, अंतराणविक बल बनाम ऊष्मीय ऊर्जा। एक अब ये क्या है, एक पदार्थ की अणु या परमाणुओं की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ये सारी चीजें तुम्हें नोट करनी होगी। एक पदार्थ क्या है, ये अंतराणविक बल बनाम ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, एक पदार्थ के अणु या परमाणुओं की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। ये पदार्थ के तापक्रम के अनुपातमादी होती है, मतलब ताप में वृद्धि करने पर ये बढ़ती है तथा ताप घटाने पर ये घटती है। द्रव के कणों की औसत गतिज ऊर्जा की माप, द्रव के कणों की औसत गतिज ऊर्जा की माप होने के कारण ये कणों के गमन के लिए उत्तरदायी होती है। कणों के इस गमन को क्या कहते हैं, थर्मल मोशन या ऊष्मीय गमन। पदार्थ के कणों में दो प्रकार की अन्योन क्रियाएं उपस्थित होती है, अंतराणविक अन्योन क्रिया तथा ऊष्मीय अन्योन क्रिया। अंतराणविक अन्योन क्रिया प्रकृति में आकर्षणकारी यानी अट्रैक्टिव होती है, अतः ये द्रव के अणुओं कणों को पास पास बांधे रखती है।
होती है। उष्मीय अन्योन क्रिया अणु या परमाणु की गति के कारण उत्पन्न होती है तथा अणुओं या परमाणुओं को एक दूसरे से दूर करती है। द्रव की तीन अवस्थाएं उनके अणुओं की अंतरायणविक अन्योन क्रिया तथा उष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिणाम है। उदाहरण, गैसीय अवस्था में अंतरायणविक अन्योन क्रिया बहुत कम तथा उष्मीय ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिस कारण गैसीय अणु एक दूसरे से अत्यधिक दूर होते हैं। ठोस अवस्था में इसके विपरीत अंतरायणविक अन्योन क्रिया बहुत अधिक तथा उष्मीय ऊर्जा बहुत कम होती है, जिस कारण ठोस के अवयवीकरण पास पास व्यवस्थित रहते हैं। ताप बढ़ाने पर उष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ता है तथा अंतरायणविक अन्योन क्रिया का मान कम हो जाता है, अतः ठोस गर्म करने पर पहले द्रव में फिर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ताप कम करने पर उष्मीय ऊर्जा के मान में कमी तथा अंतरायणविक अन्योन क्रिया के मान में वृद्धि होने के कारण गैस द्रव में तथा द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ताप बढ़ाकर भी अणुओं को परस्पर समीप लाया जा सकता है, परंतु केवल संपीड़न द्वारा गैसों को द्रवित करना संभव नहीं है। यानी ये दाब ज्यादा डालने पे गैसें द्रवित हो जाएंगी ऐसा नहीं होता, इसके लिए ताप भी एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है जिसके ऊपर वह गैस द्रवित नहीं हो सकती, चाहे ताप कितना ही अधिक हो। गैसों के इस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। तो ये डिफिनेशन है क्रांतिक ताप की, प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है जिसके ऊपर वो गैस द्रवित नहीं हो सकती, चाहे दाब कितना ही अधिक हो। गैसों के इस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में उष्मीय ऊर्जा तथा अंतरायणविक अन्योन क्रिया किस तरह से है? अंतरायणविक अन्योन क्रिया की पूर्व प्रभाविता गैस द्रव में बदलती है और ठोस में, और दूसरी तरफ उष्मीय ऊर्जा जब उष्मा देते हैं इसको तो ये द्रव में बदलेगा फिर ये गैस में। अब है द्रव की गैसीय अवस्था। ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन, किस तरह से ऊर्जा द्रव के बीच में होती है, ठोस द्रव गैस में, और कुछ उसमें जो ठोस द्रव और गैसों में, खास करके गैसों में किस तरह से अंतरायणविक बल कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आ जाते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ बताएंगे। गैस द्रव की सरलतम व्यवस्था है। हमारे चारों ओर वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। कौन कौन सी गैसें होती हैं? इसको वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फीयर कहलाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प आदि गैसें उपस्थित होती हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ये सारी गैसें हैं वो भी उपस्थित होती है। अब गैसीय अवस्था के अग्नि लक्षण इसको भी नोट करो। पहला, गैस अधात्विक तत्वों से बनी होने के कारण इनका अणुसूत्र समान तथा अणुभार कम होते हैं। ये सारे गैस कहाँ कहाँ पे हैं पीरियडिक टेबल में? हाइड्रोजन है पहले ग्रुप में, 15 ग्रुप में नाइट्रोजन है, फिर 16 ग्रुप में ऑक्सीजन है, 17 में फ्लोरीन क्लोरीन है, और 18 ग्रुप में सारे जो है अक्रिय गैसें हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है गैसीय अवस्था की? गैसें अत्यधिक संपीड होती हैं, यानी इनको दबाया जा सकता है और दाब बढ़ाने से इनका आयतन घटता है। तीसरी प्रॉपर्टी, गैसें सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती हैं। चौथी प्रॉपर्टी है, ठोसों तथा द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। अब गैसों का आयतन तथा आकृति अनिश्चित होती है, ये पात्र का आयतन तथा आकृति ग्रहण कर लेती है। उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? गैस बिना किसी यांत्रिक सहायता के प्रत्येक अनुपात में पूर्ण मिश्रित होती है, यानी समांगी मिश्रण बनाती है। उसके अलावा गैसों का विसरण अति तीव्र गति से होता है। अब गैसों के मापने योग्य कौन से ऐसे गुण हैं जिन गैसों के जिनको हम नाप सकते हैं? तो गैसीय अवस्था में पदार्थों के मापने योग्य गुण जो है वो दाब, ताप और गैस का परिमाण। गैसों के ये मापनी गुणधर्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चारों के मध्य संबंध ही
गैस की अवस्था की व्याख्या गैसीय नियमों के रूप में करते हैं। तो पहला नापने योग्य क्या होता है? गैस का आयतन। गैस के आयतन से अभिप्राय उस स्थान से है जिसमें गैस के अणु मुक्त रूप से विचरण करते हैं। वस्तुतः किसी गैस का आयतन उतना ही होता है जितना कि उस पात्र का आयतन जिसमें वो भरी हुई है। गैसों का आयतन प्रायः लीटर या मिलीलीटर या घन सेंटीमीटर मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। एसआई यूनिट में एक घन मीटर बराबर होता है एक मीटर क्यूब बराबर होता है 10^3 डेसीमीटर या 10^6 सेंटीमीटर। परंतु द्रवों तथा विलयन के आयतन की माप लीटर तथा मिलीलीटर में करते हैं। एक लीटर बराबर होता है, ये सारी चीजें याद करने की है, एक लीटर बराबर होता है 10^-3 मीटर इज इक्वल टू 1 क्यूब डेसीमीटर। एक मिलीलीटर बराबर 1 cm³ क्यूब, अतः 1 मीटर इज इक्वल टू 10^3 डेसीमीटर और ये है 1 मीटर क्यूब और 10^6 cm³ इज इक्वल टू 10^3 लीटर एंड इज इक्वल टू 10^6 मिलीलीटर। तो ये मात्रक है गैसों को नापने का और किसको इनका आयतन नापने का और ये द्रव को नापने का। उसके बाद प्रेशर ऑफ द गैस। हम जानते हैं कि अनवरत गति से विचरण करते हुए गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो ये दाब उत्पन्न करते हैं। गतिमान अणुओं की किसी विशेष दशा के लिए वरीयता नहीं होती, ये समान रूप से टकराते हैं। गैस दाब की ये परिभाषा दी जाती है क्या कि गैस के अणुओं द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर डाला गया बल क्या कहलाता है? दाब। गैस के दाब का मापन गैस के अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों पर डाले जाने वाले बल को ज्ञात करके तथा उसे पात्र के समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा भाग देकर ज्ञात किया जाता है। ये मापक प्रत्यक्ष कठिन है अथवा इस प्रयोजन के लिए अधिक सुविधाजनक विधियां प्रयुक्त की जाती है। दाबांतर मापी द्वारा इसको मापा जाता है। प्रयोगशाला में गैस के मापन के लिए बंद नली का दाबांतर मापी इस तरह से बना होता है यूज करते हैं। इस दाबांतर की बंद भुजा में गैस दाब दाबांतर मापी के द्रव के ऊपर लगभग शून्य होता है। इस दाबांतर मापी की बंद भुजा में, ये बंद भुजा है, के ऊपर लगभग शून्य होता है अर्थात दोनों भुजाओं में द्रव स्तंभ की ऊंचाई अंतर सीधे गैस दाब का मान बताता है। यदि दोनों भुजाओं में पारे का तल समान है तो गैस का दाब बराबर वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय गैसों द्वारा स्थापित दाब के मापन के लिए वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। अब किसी निश्चित ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब का मान घटता बढ़ता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 0° सेंटीग्रेड पर पारे के स्तंभ की ऊंचाई को 760 मिलीमीटर रखता है। इसे मानक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760 मिलीलीटर पारे का स्तंभ इज इक्वल टू 1 वायुमंडल दाब। जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कहा जाता है तो उसका मतलब 760 मिलीमीटर दाब हो रहा है और 1 मिलीमीटर पारा इज इक्वल टू 1 टॉर। अब इसके सारे दाब के ये सारे मात्रक हैं। मात्रक टार बैरोमीटर के आविष्कारक टारी सेली से लिया गया है ये सारा। एक वायुमंडल दाब बराबर होता है 760 टॉर या 760 मिलीमीटर एचजी के बराबर, जो बराबर होता है 1.01325 बार और पा में लिया जाता है, पास्कल को शॉर्ट में पा कहते हैं। 1.01325 × 10^5 पा यानी पास्कल। दाब के लिए एसआई मात्रक पास्कल है। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या 1 किलोग्राम मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर और एक वायुमंडल बराबर होता है 1.013 × 10^5 पास्कल या इतने न्यूटन
मीटर स्क्वायर। अब है गैस का ताप किस तरह से मापते। किसी गैस का ताप गैस के अणुओं की ऊर्जा के परिमाण की माप है। वास्तव में गैस का ताप उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को निर्दिष्ट करता है। गैस के ताप को प्रायः डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। एसआई मात्रक में ताप केल्विन या परम डिग्री या डिग्री एब्सोल्यूट में नापा जाता है। इस तरह से ये इसमें वायु दाब मापी है। ये मरकरी बैरोमीटर का चित्र है। अब एक केल्विन बराबर होता है डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर होगा उसमें 273.15 जोड़ देते हैं। केल्विन पैमाने का शून्य बिंदु परम शून्य कहा जाता है जो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी के साथ डिग्री का चिन्ह डिग्री नहीं लिखा जाता। सरलता हेतु 273.15 के स्थान पर 273 के प्रयुक्त करते हैं। अब तीसरा क्या है गैस, चौथा क्या है गैस का परिणाम, परिमाण नाट परिणाम, गैस का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द गैस। द्रव के अन्य रूपों की भांति गैसों के भी द्रव्यमान होते हैं लेकिन किसी गैस का परिमाण सामान्यतः ग्राम मोल या मोल में व्यक्त किया जाता है। इसे प्रायः एन द्वारा निरूपित करते हैं। गैस के मोल की संख्या बराबर होती है गैस का द्रव्यमान बटे अणु भार और गैस का एक मोल बराबर एक मोल गैस में इतने अणु 6.022 × 10²³ होते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें थी तो इनको इसलिए बताया कि इसके बाद वाले क्लास में हम गैसीय नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गैसीय नियम के बारे में जानने से पहले इन सारी चीजों को जानना जरूरी था। ये एक न्यूमेरिकल है इसको नोट कर लो। एक दाबांतर मापी का संबंध गैस युक्त बल्ब से है। खुली भुजा का पाठ्यांक 50.3 सेंटीमीटर तथा बल्ब से जुड़ी भुजा का पाठ्यांक 18.5 सेंटीमीटर है। यदि वायुमंडलीय दाब 750 मिलीमीटर हो तो गैस का दाब ज्ञात करो। तो इस न्यूमेरिकल में तुमको सारे कॉपी पेन ले करके बैठना है। बहुत से न्यूमेरिकल भी हम साथ साथ इसी तरह बताएंगे जो सॉल्व किए हुए हैं बुक में और उसको देख करके जब करोगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह से करते हैं। तो जो एक्सरसाइज में किताब दिए होंगे उसको भी कर सकते हो। तो यहाँ दोनों भुजाओं में पारे के तल में अंतर निकाल लेंगे पहले। चूंकि बल्ब से जुड़ी भुजा में तल खुली भुजा के तल से कम है अतः गैस का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है। तब गैस का दाब क्या हो जाएगा वायुमंडलीय दाब प्लस पारे के दाब में अंतर। इन दोनों को निकालोगे माइनस करके तो ये आएगा आंसर। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो जब अब गैस के चार्ल्स का नियम बायल का नियम ये सारे नियम जब डिस्कस करेंगे तब जो है तुम लोगों को न्यूमेरिकल भी साथ में बताते चलेंगे। तो उसको कॉपी ले करके नोट करना है और उसको लगाना है उसके बाद एक्सरसाइज करना। क्या कनेक्ट होने में तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है क्या?